मैं हूँ रेखा चौधरी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा गुरबचन सिंह स्कॉलरशिप स्कीम 2023-2024। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप स्कीम्स हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक और बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। नाम क्या है? बाबा गुरबचन सिंह स्कॉलरशिप स्कीम है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे अप्लाई करना है, तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट है कि आप डिप्लोमा अगर परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर या फिर डिग्री परस्यू कर रहे हैं इन वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज हैं? बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बी फार्मा बीएड, डीईईडी, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बीबीए, BCA, MCOM, MSc, MA, MCA। तो ये तमाम जो भी कोर्सेज हैं, अगर आप इन फॉलोइंग कोर्सेज के अंदर अपना डिग्री परस्यू कर रहे हैं, डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो बधाई हो, इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें डिप्लोमा और डिग्री या फिर ट्रेनिंग अगर आपकी हो रही है स्पोर्ट्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या वोकल म्यूजिक या तमाम कोर्सेज में, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो उन स्टूडेंट्स को भी बधाई जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और इंस्ट्रूमेंटल या म्यूजिक या वोकल म्यूजिक में एनरोल कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि आपने सबसे पहले क्लास 10th या 12th में 60% एटलीस्ट 60% मार्क्स सिक्योर किए हों तो भी आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि फैमिली की इनकम जो है आपकी 3,50,000 तक होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो सॉरी, आप स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर इससे कम है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आप स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत एलिजिबल नहीं है या अप्लाई नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जानना जरूरी है। तो फॉलोइंग स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कॉलरशिप स्कीम। कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन थ्रू द मैनेजमेंट और कन्वीनर कोटा। तो अगर आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा या कन्वीनर कोटा के तहत हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप स्कीम से सीधे सीधे बाहर हैं। नंबर टू इज स्टूडेंट्स जो कि किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप किसी भी प्रीवियस सेमेस्टर, प्रीवियस ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप का हिस्सा नहीं हैं, तो उनके लिए भी सॉरी। नंबर थ्री ये कहता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं अगर किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर एग्जामिनेशन में शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से डिटेन हुए हैं, आपने अपनी कॉलेज लाइफ में ज़्यादा ही तफरियाँ मार ली हैं और अब अटेंडेंस की शॉर्टेज हो गई है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं हु आर पैनलाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट फॉर एनी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग द कोर्स, और कोर्स के दौरान, सेमेस्टर के दौरान अगर आपने कहीं पे थोड़ी सी कोई बदमाशी कर ली है और पेनलाइज्ड हो गए हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो भी आप इस स्कॉलरशिप स्कीम से बाहर हैं। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप स्कीम का वो बेनिफिट ले चुके हैं तो वो स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो है एलिजिबल नहीं है। तो ये तमाम
कैंडिडेट्स हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, ये तमाम कैंडिडेट्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इन स्कॉलरशिप अगर आप इन पॉइंट्स के तहत आते हैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट देख रहा है, तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वेल, नेक्स्ट चीज यहाँ पर बात करें बेनिफिट्स की, क्या बेनिफिट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, नहीं जो एलिजिबल नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बेनिफिट क्या होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्हें एक एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है 50,000 रुपीज का पर स्टूडेंट, और जो ट्यूशन फी है, एनुअल फी है, उसके लिए भी जो भी कम रहने वाली है उसके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है। कितने का? 50,000 रुपीज का एक बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, ये तो हमने समझ लिया कि हम कैसे एलिजिबल हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम आते हैं, लेकिन अब अगर हमें अप्लाई करना है, अगर 50,000 रुपीज चाहिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए होंगे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th की, इसके अलावा पे स्लिप होनी चाहिए, ITR फॉर्म होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें पार्ट 3 में जो है एफिडेविट जैसा मेंशन किया है वो आपके पास एक साइंड एफिडेविट होना चाहिए। यहाँ पर बात करें कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर एग्जामिनेशन पास्ट, जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स आपके हुए हैं या ईयर वाइज जो भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी के रिजल्ट की कॉपी भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लेटेस्ट जो भी फी रिसिप्ट हैं, उन सभी की भी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो आपको बेसिकली जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी या आपका इंस्टीट्यूशन ही आपको यहाँ पर ग्रांट करने वाला है या इशू करने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है कि डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर भी होना इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो भी आपका अटैच होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ही, जिसमें आपका ट्यूशन फी के बारे में लिखा होना चाहिए, लाइब्रेरी फीस, हॉस्टल, बुक्स, तमाम चीज़ें, तमाम एक्सपेंसेस के बारे में लिखा होना चाहिए, और ये पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर या इंस्टीट्यूट के जो भी हेड हैं उनके थ्रू साइंड होना चाहिए वो पर्टिकुलर डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद बात करें स्टूडेंट्स की एक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट के लिए, साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके एक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स में बताई गई है पर्टिकुलर, तो ये फैक्टर भी आपको मेजरली कंसिडर करते हुए चलना है। एडमिशन स्लिप होनी चाहिए, जो भी एडमिशन लेटर आपको मिला है, जो भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दो पॉइंट जो लास्ट के हैं, उनमें ये कहा गया है कि आपका आधार कार्ड की कॉपी हो सकती है, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड, इन तमाम चीज़ों की एक कॉपी होना इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट चीज़ कॉपी ऑफ लेटर रिसीव्ड प्रीवियस ईयर फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट SNM फॉर ऑल स्टूडेंट्स ओनली। वेल, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके यहाँ पर होने चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल द डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, सभी जो हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने अगर डॉक्यूमेंट ठीक से सबमिट किए हैं लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक की है या फॉर्म इनकम्प्लीट है, अपनी बेसिक डिटेल्स फुलफिल नहीं की हैं, तो क्या करना है? इनकम्प्लीट फॉर्म्स जो हैं आपके स्कॉलरशिप ग्रांट्स में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो एक बार जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेते हैं, तो मेक श्योर उसे एक बार फिर से रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। आप कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं इस स्कॉलरशिप के तहत, सबसे पहले कब तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं वो तो हमने बता ही दिया, लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट क्या रहने वाली है अप्लाई करने की, तो 30th November यानी 30 नवंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। मेक श्योर 30 नवंबर तक का आप वेट ना करें और उससे पहले अप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि वक्त लग सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उन सभी को देखने में भी। और जो आपका रिजल्ट, जी हाँ, फंड्स डिसबर्समेंट जो है आपका वो 31st of January 2024 को होने वाला है। 31 जनवरी को जो है आपका पर्टिकुलर बेनिफिट जिसकी हमने बात की है ना, वो
आपका डिसबर्स किया जाएगा। आप यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर, बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसकी यहाँ पर बात होने वाली है। पहला पॉइंट कहता है कि जो एजुकेशन कमेटी है, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, संत निरंकारी मंडल, ये आपके एप्लीकेशंस को यू नो रिव्यू करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे जितने भी शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी की एक यू नो लिस्ट तैयार की जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो पर्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत एलिजिबल है, राइट। वेल नेक्स्ट चीज है यहाँ पर कि एलिजिबल स्टूडेंट्स में हैव टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू। अब अगर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में आते हैं तो वहीं पर आपको खुश नहीं होना है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ, जो एजुकेशन कमेटी है वो आपका इंटरव्यू यहाँ पर लेने वाली है जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, वेल जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है। ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुलकर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म उस यू नो पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर फिल करनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने हैं। याद है ना कौन से डॉक्यूमेंट्स, अगर नहीं पता है तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना कि कौन कौन से पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट चीज है जो भी यू नो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी आपको कहाँ सबमिट करने हैं। सबमिट ऑल दीज टू मेंबर इन चार्ज एजुकेशन डिपार्टमेंट संत निरंकारी मंडल ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस इन पर्सन और स्पीड पोस्ट भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर यू नो पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये मालूम रहे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर्टिकुलरली सबमिट करने हैं। और याद रहे कि यू नो जो आपकी डेडलाइन है, एप्लीकेशन डेडलाइन, उससे पहले ही आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। अब यू नो यहाँ पर ये एड्रेस है कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, इसका भी आप मेक श्योर एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी आपको बताई गई है, फ़ोन नंबर भी है, इनकेस यू नो आप चाहते हैं तो फ़ोन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये तो हुआ कि किस तरह से अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर फिर से बताया गया है कि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी आपकी होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पर्सन होगा, इसके अलावा एक इंटरव्यू भी होने वाला है जो कि यू नो अगर रिक्वायर्ड है तो ही होने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यू नो टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो एप्लीकेंट्स हैं किसी भी कॉलम को आपको यू नो छोड़ना नहीं है। जो भी आपकी डिटेल्स पूछी जाती हैं वो सभी आपको वहाँ पर फिल करनी होंगी, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 25% ऑफ द कोर्स फी विल बी पेड ओनली अपन रिसीट ऑफ द फाइनल ईयर मार्कशीट। तो जिस भी कोर्स में आपने एनरोल किया है उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट की रिसीट के बाद ही यहाँ पर जो है 25% ऑफ द कोर्स फी जो है आपको मिलने वाली है। और जो फीडबैक फॉर्म है वो संत निरंकारी मंडल आपको यहाँ पर भेज देगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डिसीजन ऑफ द एजुकेशन कमिटी शेल बी फाइनल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन कमेटी जो भी रहने वाली है आपकी एजुकेशन कमेटी, उनका जो डिसीजन होगा वो एक लास्ट डिसीजन होगा और उसके बाद आप यू नो कोई फर्दर रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कोई भी फर्दर रिक्वेस्ट यहाँ पर रिकंसिडर नहीं की जाएगी और कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर एंटरटेन नहीं करी जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अटैच करने वाले हैं उनको एक बार अच्छे से रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यू नो आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा तो उस टाइम पे भी आपको उन डॉक्यूमेंट्स का पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यू नो मेजर फैक्टर्स, मेजर पॉइंट्स थे जो आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कंसिडर करना है। फिर से बोल देती हूँ कि आपकी जो लास्ट डेट है उसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट या फिर यू नो पोस्टली भी आप यू नो सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.